ठीक है, तो जैसे जैसे वो बोली हुई, सबसे पहली जो बोली बोली वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले मैं। और आदम अलैहि सलाम को जब सजदा हुआ, आपने पढ़ा है, पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए कि सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन सबसे पहले सजदा किसने किया? अब ये मैं बताने वाला हूँ कि पहले अमल किया जाए तो अजर क्या मिलता है। जो सबसे पहले जिसने सजदा किया, अल्लाह ने फरमाया कि इसको फरिश्तों का सरदार बना दिया जाए। इसी सरदारी की वजह ये है कि जब मैं इसको इब्लीस का हुक्म फरमाया, तो सबसे पहले जिसने सजदा किया ना, वो जिब्राइल अलैहि सलाम। सबसे पहले जिसने वो जिब्राइल अलैहि सलाम। और जिब्राइल अलैहि सलाम को सरदारी क्यों मिली फरिश्तों की? उसकी वजह सजदा है, उसकी वजह सजदा। और सजदे में सबकत यानी पैर इख्तियार करना, और ये सजदा इबादती सजदा नहीं था। आदम अलैहि सलाम को जो सजदा कराया गया, ये इबादत का सजदा नहीं था। इबादत का सजदा कल भी अल्लाह के लिए है, आज भी अल्लाह के लिए है, ये ताजीमी सजदा था। ताजीम क्यों करवाई? आदम अलैहि सलाम के सामने सारे फरिश्तों को झुकाया, क्यों? उसकी वजह क्या? क्योंकि आदम की पेशानी में एक नूर चमक रहा था। आदम अलैहि सलाम की पेशानी में एक नूर चमक रहा है, और ये नूर मुरक्कब है, मुफरत नहीं है। इस नूर में, इस नूर के अज्जा है। मुहद्दिसीन ने लिखा, रेफरेंस दू हमारा दू बात लंबी हो जाएगी, मुहद्दिसीन ने और मुनाकब की किताबों में हदीस को नकल करवाया कि ये नूर किसका था। ये नूर पांच हस्तियों का था। मुस्तफा का नूर था, मुर्तदा का नूर था, फातिमा का नूर था, हसन का नूर था, हुसैन का नूर था। इस नूर के सामने जो सबसे पहले झुका, उसको फरिश्तों का सरदार बना दिया गया। इसने सबसे पहले ताजीम की, सबसे पहले ताजीम की। हम उस वक्त भी थे, हमें याद नहीं रहा, नहीं याद रहा। इसकी भी वजह कुछ बातें थी शोर में, और कुछ बातें होती है ला शोर में। बंदा कहता है, या तेरे शोर में ये बात तो नहीं, लेकिन तख्त शोर में ये बात तेरे अंदर महफूज है। तौहीद की गवाही हर आने वाले इंसान ने आलम अरबाह में दी। माहौल ने उसको यहूदी बनाया, माहौल ने उसको काफिर बनाया, माहौल ने उसको सिख या दीगर जो माहौल माहौल है उनमें पलने पढ़ने वाले ने वही मजहब इख्तियार किया। लेकिन मुसलमान यहाँ जो बच्चा पैदा होता है, उस वो सिर्फ फितरत इस्लाम का उसका इम्तियाज नहीं है। फितरत इस्लाम पर तो हर आने वाला बच्चा आता है, लेकिन मुसलमान के घर में जो बच्चा आता है वो फितरत इस्लाम पे